सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम बबुल कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एफएल स्टूडियो मोबाइल में किसी भी सॉन्ग को आप सिर्फ एक क्लिक में कैसे ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल पीसी के जैसा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारा कुछ बताने वाला इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे एफएल स्टूडियो मोबाइल से रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एफएल स्टूडियो मोबाइल को। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एफएल स्टूडियो मोबाइल ओपन हो चुका है। और अभी यहाँ पर सॉन्ग ऐड करने के लिए करना क्या होगा, ठीक है। पहले क्या था कि हम लोग को जो है फाइल मैनेजर में जाना पड़ता था और FLM यूजर फाइल में जो है सॉन्ग को डालना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको कहीं से भी सॉन्ग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं FLSTO मोबाइल के अंदर, ठीक है। आपका SD कार्ड में हो या फिर इंटरनल स्टोरेज में हो, कहीं से भी आप सॉन्ग को उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना होगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक छतरी का आइकन दिख रहा होगा, जो कि FLSTO मोबाइल का जो है लोगो, वहाँ पे आपको सिंपली कॉर्नर में क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू मिलेगा, उसके बाद सेव मिलेगा, और यहाँ पे इंपोर्ट जो आपको दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, जो कि हम यहाँ पर दे देते हैं फाइल मैनेजर, ठीक है। तो चलिए हम फाइल मैनेजर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जहाँ पे भी सॉन्ग, जैसे कि ये है डाउनलोड का फोल्डर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो है डाउनलोड का फोल्डर है। अब यहाँ से हम ये जो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो एक ढोलकी आपको दिख रहा होगा, तो ये MP3 का एक ढोलकी है, तो हम इसको इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पर यह ढोलकी जो दिख रहा है, और ये फोल्डर आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा, ये फोल्डर का नाम है डाउनलोड, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो हम कहीं से भी यहाँ पे से उठा सकते हैं किसी भी सॉन्ग को या फिर किसी भी MP3 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस ढोलकी पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे FLM सैम्पल, ठीक है, यहाँ पे माई सैम्पल में ये जाएगा, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा रहा है माई सैम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है, ये जो आपको ओके दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा वो जो क्लिप था, यानी ढोलकी पैक था, वो ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम फिर से जाते हैं ऑडियो क्लिप, और यहाँ पे हम माय फाइल्स पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करके माय सैम्पल्स पे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे माय सैम्पल पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके अंदर जो भी माई सैम्पल में फाइल होगा, यानी फोल्डर होगा, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है। और जस्ट उसके नीचे आपको जाना होगा, जब फोल्डर सारा ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग को जो है ऐड किया इसी तरह से, ठीक है। मैंने खुद पहले चेक किया था, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो था वो लूप्स, ढोलकी लूप्स, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप किसी भी MP3 सॉन्ग को या फिर ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इस ढोलकी लूप्स पे क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा प्लेलिस्ट में FLSTO मोबाइल का प्लेलिस्ट में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी सॉन्ग को जो है डायरेक्टली जो है आप ला सकते हैं। अभी आपको फाइल मैनेजर और FLM यूजर फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से भी यहाँ से सॉन्ग उठा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आओ तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।